हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर चैनल। तो आज हमारे पास एक एयर कूलर है, ये सबसे बढ़िया है गर्मी का सीजन में। तो ये पिजन कंपनी का है, ये गर्मी का टाइम में ये कूलर ज़बरदस्त होने वाला है। तो इसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाएंगे ऊपर का तरफ, तो ऊपर में सभी बटन दिया हुआ है, जितना जितना फंक्शन है, मोड, टाइमर, एलईडी, पावर, स्विंग, नॉर्मल, ये डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले में दिखाएंगे आपको सभी, इसके बारे में जानकारी देंगे। सभी ऑप्शन है पावर ऑफ ऑन करने का, सभी आपको दिखाएंगे। तो इधर सभी फंक्शन दिया हुआ है। तो और अगर नीचे का तरफ अगर जाएंगे तो इसमें व्हील भी दिया हुआ है, आप एक जगह से दूसरा जगह में ले जा सकते हैं आसान। तो अगर पीछे का तरफ आपको दिखाएंगे उसमें क्या हुआ, क्या कुछ लगा हुआ है, तो पीछे का तरफ में अगर देखेंगे तो एक पानी का और आइस, पानी भी डाल सकते हैं इसमें और आइस भी डाल सकते हैं, जैसे ठंडी हवा आएगा इसके लिए ये दिया हुआ है। और नीचे का तरफ जो ये गोल टाइप का एक नट दिया हुआ है, इसमें अगर खोल के आप पानी निकाल सकते हैं, और इसका अंदर बैटरी दिया हुआ है और स्क्रू से लगा हुआ है। और नीचे ये पावर का बटन है, मतलब कि पावर का जो केबिल, उसमें कनेक्शन दिया हुआ है। तो और बोर्ड के साथ भी कनेक्शन कर लिया हम लोग। तो चलिए इसको, इसके बारे में कैसे क्या काम होता है आपको दिखाएंगे पूरा। तो सबसे पहले हम इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद आपको दिखाएंगे। अभी ऑन कर लिया, ऑन कर लिया। अभी देखिए इधर स्विच ऑन है, तो इधर पावर का जो सिंबल है इधर दिख रहा है हमारे, इसमें पावर आ गया, इधर सिंबल भी दिखा रहा है। तो पहले हम लोग ऑन करेंगे इसको। ऑन करने के लिए ऊपर वाला जो दिया हुआ है ये अभी ऑन हो गया। ऑन करने के बाद हम नीचे जो बटन है स्पीड ऑन ऑफ करने के लिए, तो अभी अगर उसमें दबाएंगे तो अभी हमारा जो कूलर है अभी ऑन हो गया, अभी दिखा रहा है नॉर्मल में है। तो हम इधर अभी 12 स्पीड में है, तो स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। अभी देखिए 13 हो गया, 14, 15, 16, 17, 18, ऐसे करके आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसका हाई स्पीड है 24। और नीचे जो बटन है ये स्पीड कम कर सकते हैं। अभी देखिए हम कम कर रहे हैं, तो अभी कम हो गया, अभी 8 पे चल रहे हैं। और नीचे का जो ऑप्शन है ये स्विंग का है, अभी देखिए इसको ऑन कर दिया, देखिए आगे वाला ये घूम रहा है, ये स्विंग का है। इसका ऑप्शन भी दिखा रहा है, देखिए इधर सिंबल आ रहा है, स्विंग हो रहा है। अभी इसको बंद भी कर सकते हैं इसका। तो नेक्स्ट हम लोग इधर मूड दिया हुआ है, तो हम नेचर जो है हल्का हवा आएगा, इधर स्लीप, अगर सोने का टाइम में आप इसको ऑन करके सो सकते हैं। और नीचे का जो है टाइमर है, ये टाइमर में सेट करके भी आप रख सकते हैं, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, ऐसे करके आप देख लीजिए, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर्स, 4 आवर्स, ऐसे करके आप 9 आवर तक आप रख सकते हैं। 9 आवर रखने के बाद ये अगर सेट कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक 1 घंटे के बाद ऑफ हो जाएगा। अभी देखिए इसका एलईडी भी दिया हुआ है, ये वाला देखिए, ये वाला बटन एलईडी का है, ये कम और ज़्यादा भी कर सकता है। अभी देखिए कम हो गया, अभी इसको ऑफ करने के लिए वही बटन प्रेस कीजिए तो इसका ऑफ हो गया। तो ज़बरदस्त फीचर है इसका, ये देखिए ये सभी, ये जो कूलर है हमारा, ये सभी फंक्शन दिया हुआ है,
मतलब कि कूलर में जितना जितना ऑप्शन चाहिए इस कूलर में सभी है। अभी देखिए इसका मेन फीचर्स है, अगर पावर हमारा चला जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ऑन रहेगा ही। अभी देखिए स्विच ऑफ कर दिया, अभी देखिए पावर चला गया, समझिए। तो देखिए हमारा कूलर अभी भी रनिंग है। तो इसमें ये सबसे, अगर लोड सेटिंग हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास कूलर ऑटोमेटिक चलता रहेगा। इसमें बैटरी भी दिया हुआ है। इस फंक्शन मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो अभी देखिए पावर ऑन करने से, उधर अभी ऑफ कर दिया, अभी ये देखिए चला गया, लेकिन हमारा कूलर ऑटोमेटिक रनिंग है। ये देखिए पावर का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अभी अगर ऑन करेंगे तो ये देखिए, अभी पावर ऑन कर दिया तो देखिए पावर का ऑन हो गया, लेकिन हमारा कूलर पावर जाने दीजिए आने दीजिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो हर टाइम चलता रहेगा। तो गाइस कूलर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक दीजिएगा, और कमेंट और शेयर करने भूलिए मत, और आप नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे नया नया वीडियो आपके पास लेके आऊँगा। आज इतना ही, धन्यवाद।